गुड मॉर्निंग क्लास एट। तो हमारा आज का विषय है संवाद लेखन। संवाद जैसा कि आप सभी जानते हैं बातचीत। तो जब हम बातचीत को जो है वो लिखते हैं तो वो किसका रूप हो जाता है? संवाद लेखन का। दो लोगों के मध्य या दो से अधिक लोगों के मध्य जो भी बातचीत होती है जब उसको लिखा जाता है तो वो लिखित रूप उसका संवाद लेखन कहलाता है। तो चलिए हम इसकी विशेषताओं की ओर बढ़ते हैं। आप सभी जानते हैं पिछली कक्षाओं से कि संवाद लेखन क्या होता है, लेकिन एक बार हम फिर इसके रिकॉल करते हैं जिससे कि आपको इसको लिखने में पूर्ण सफलता प्राप्त हो। तो संवाद लेखन में विशेषताएं क्या होती हैं? संवाद लेखन लिखते समय भाषा सरल स्पष्ट पात्रानुकूल एवं भावानुकूल हो। यानी जब भी आप संवाद लिखें तो उसकी भाषा सरल हो, आप जो भी कहना चाहते हैं वो चीज स्पष्ट हो, पात्रानुकूल, आपने उसमें जो भी पात्र लिए हैं, जो भी पात्रों के बारे में आप लिख रहे हैं वो जो भाषा हो वो उनके अनुकूल हो और भावानुकूल, हर्ष शोक घृणा जो भी भाव है उनके अनुकूल ही आपको वाक्यों को प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, वाक्य रोचक तथा संक्षिप्त हो। जो भी आप उसमें वाक्य लिखें वो रोचक हो, इंटरेस्टिंग हो, तभी वो अच्छे लगेंगे पढ़ने में भी और लिखने में भी, और संक्षिप्त हो, छोटे हो, अनावश्यक विस्तार से आपको जो है बचना चाहिए, निरर्थक प्रयोग वाक्यों का नहीं करना चाहिए। तीसरा, घटना परिस्थिति तथा समय के अनुकूल हो। आप जो भी संवाद में घटना ले रहे हैं, परिस्थिति ले रहे हैं या समय ले रहे हैं उसके अनुकूल ही आपको वाक्यों को लिखना चाहिए। चौथा है सबसे जरूरी, क्रमबद्धता। आप जो भी अपना संवाद लेखन में टॉपिक ले रहे हैं उसमें आप जिन भी पात्रों को ले रहे हैं उनको क्रमानुसार उनके वाक्यों को आपको लिखना चाहिए, तभी वो पढ़ने में रोचक लगेगा। पांचवा है विराम चिन्हों का उचित प्रयोग। यदि आपके संवाद लेखन में जो भी दो लोग हैं या दो से अधिक लोग हैं वो जो भी प्रयोग कर रहे हैं वाक्य, यदि प्रश्न पूछ रहे हैं या वाक्य उनका पूर्ण हो गया है तो क्रमशः आप जो है वो प्रश्नवाचक चिन्ह, विराम चिन्ह, उद्धरण चिन्ह इत्यादि विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे तो आपका संवाद लेखन पूर्ण रूप से सही होगा। तो इस प्रकार से बच्चे आप लोग इन पांचों जो है तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपने संवाद लेखन को लिखेंगे तो आपका संवाद लेखन पूरी तरह से सही होगा। आइए आपका गृह कार्य मैं बताती हूँ। हिंदी लैंग्वेज की बुक आपकी व्याकरण वृक्ष में पेज नंबर 276 यानी 276 में संवाद लेखन नंबर 1 खा लिखा होगा, खा नंबर लिखा होगा, उसमें संवाद लेखन नंबर 1 आपको कॉपी में पूर्ण करना है, जिसका शीर्षक है परीक्षा में आए कठिन प्रश्नों को लेकर दो सखियों में बातचीत। दो मित्रों में दो सखियों के बीच में बातचीत लिखनी है, परीक्षा में आए कठिन प्रश्न। आप कोई भी प्रश्न पत्र उठा करके, कोई भी हिंदी अंग्रेजी मैथ्स कोई भी प्रश्न पत्र ले सकते हैं और उसमें जो भी कठिन प्रश्न पत्र, जो भी कठिन प्रश्न आए हो उनको लेकर के आपके मित्रों से जो भी बातचीत हुई हो दो लोगों के बीच में, दो सखियों के बीच में, आपको उसको लिखना है। और प्रत्येक की दो सखियां हैं इसमें, दो सखियां यानी दो लोग हैं इसमें संवाद लेखन में, तो हर एक की आपको 7 पंक्ति लिखनी है, तो दो लोगों की कितनी हो गई? 14 पंक्तियां, 14 लाइंस। तो आपको अपना ये कार्य 14 पंक्तियों में पूर्ण करना है। तो अगली बार फिर हम नए विषय के साथ उपस्थित होंगे।